तो क्या ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं? आइए जानते हैं। बता दूं कि हाल ही में ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद एक तस्वीर साझा की है। जी हाँ दोस्तों, यही वो तस्वीर है जो ऋषभ पंत अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए हैं। और बता दें कि इस तस्वीर को साझा करते हुए इन्होंने लिखा कि वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप स्ट्रॉन्गर और वन स्टेप बेटर, जिसका मतलब यह था कि अब ऋषभ पंत के सेहत में पहले से सुधार हो रहा है। लेकिन ऋषभ पंत ने जो दो तस्वीरें साझा किए, उस तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि पंत बैसाखी लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके दाएं पैर में पूरी पट्टी बंधी हुई है। तो वहीं उनके पंजे का हिस्सा पूरा सूजा हुआ है और उनके कोहनी पर भी एक पट्टी बंधी हुई थी। तो अभी भी ऋषभ पंत के रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप के हिस्सा रह पाएंगे। लेकिन फिलहाल उनकी सर्जरी हो गई है और वह कोकिलाबेन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनके फैंस के द्वारा उम्मीद और दुआ यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम में वह जल्द से जल्द वापसी करें और शेर की तरह दहाड़ उठें, क्योंकि उनके बिना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में वो फनी मोमेंट, वो रोमांच नज़र नहीं आ रहा है जो रोमांच बागा के मैदान में देखने को मिला था।